Hey there, Leos, welcome to my channel Dream Tarot. This is your last week of July reading from 22 to 28 and it will be general reading. Please take those messages what resonates you and leave the rest. And if you think my reading resonates you, please share my videos on your social media account. It will be help from you toward me. So let's start your reading, Leos. Let's see what is your main theme in this week, in this last week. What will be your main theme? What will be the main theme for Leos? Page of Swords. Page of Swords is your main theme. And let's see what other messages are for you. Wheel of Fortune, the Hermit, Nine of Pentacles, Chariot, and Seven of Pentacles. Underneath the deck, you are having Seven of Pentacles. So let's start your reading, Leos. हे डियर लियो, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पहले कार्ड शफल कर चुकी हूँ, आपके कार्ड्स निकाल भी चुकी हूँ. ये आपकी जनरल रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ एंड फॉर द लास्ट वीक ऑफ जुलाई फ्रॉम 22 to 28 एंड ये आपकी एक जनरल रीडिंग होगी जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है. जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसको ही कंसीडर करें और बाकी को छोड़ दें. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें ताकि आपकी तरफ से मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है. सो लेट स्टार्ट योर रीडिंग लियोस. आपकी जो मेन थीम है फॉर दिस वीक वो है पेज ऑफ सोर्ड्स. तो आप जो है किसी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पाई करें किसी के ऊपर, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी पे नज़र रखे हुए हैं, या फिर कोई आप पे नज़र रखा हुआ है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, या आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है किसी पर्सन के साथ आपकी इस वीक में, या फिर आप एक पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी के हवाले से, या किसी पर्सन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस पर्सन की तरफ से. क्योंकि यहाँ पर जो है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है फाइनेंसिस का वेट हो क्योंकि आप बहुत सारे पेंटिकल हैं, तो हो सकता है ये फाइनेंसिस का वेट हो, या फिर आपने जो इस रिलेशनशिप में जितनी एफर्ट की है, जितनी आपने अपना 100% देने की कोशिश की है, उसके रिजल्ट का आप बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और इसके लिए आप स्पाई भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, उस पर्सन की तरफ से किसी मैसेज के लिए. लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, आप भी अपने इमोशन शो नहीं कर रहे हैं उस पर्सन को, बट आपको इंतज़ार है, आप वेट कर रहे हैं. और या फिर वो पर्सन उस पर्सन ने अपने आप हो सकता है किसी एयरसन से डील कर रहे हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या फिर वो पर्सन बिल्कुल कोल्ड हुआ हुआ है और वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा और उस पर्सन को वो इस वक्त लॉजिकली सोच कर कोई डिसीजन लेना चाहता है, कोई डिसीजन बना रहा है, जिसकी वजह से आप भी को भी वेट करना पड़ रहा है, लेकिन उसके तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है. तो आपको ये लगता है कि वो पर्सन कभी आएगा नहीं आपके पास. सो यहाँ पर जैसे कि आप स्पाई कर रहे हैं उस पर्सन पर को, या फिर वो पर्सन स्पाई कर रहा है, वो चेंज के लिए आप दोनों ही देख रहे हैं चेंज की तरफ, और आप चेंज चाहते हैं, और इस वीक में आपको चेंज मिलेगा भी. चीज़ें उस तरह से नहीं रहेंगी जैसे पहले थी, वो बदल जाएंगी और आपके रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ बदलेगा. उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे कोई डिसीजन ले रहा है, ये तो या तो फिर ये आप हो सकते हैं, या फिर आपका पर्सन हो सकता है जो कि एक लॉजिकली सोच समझ के, एक डीप थिंकिंग करने के बात, एक अपनी गट्स को आगे रखने के बाद एक डिसीजन लेता है, जो वॉइस डिसीजन होता है वो ले रहा है. या तो अगर आप बहुत अरसे से उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ रहा, तो एक चेंज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, या तो टोटली उस पर्सन से कट आउट हो जाए. एक वॉइस डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं कि टोटली उस पर्सन से आप कट आउट हो जाए, या फिर वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ देख रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ को किस तरह से सिंगली इंजॉय कर रहे हैं. और कोई एक पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट होने के हवाले से सोच रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में से इंडिपेंडेंसी हो, या फिर
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता है कोई पर्सन, या फिर आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आने वाली है, अगर फाइनेंसेस का वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आने वाली है, आप फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस और अबंडेंट लाइफ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। फाइनेंशियल आप इनसफिशेंट सेल्फ सफिशेंट हो सकते हैं फाइनेंशियली, सॉरी। सो और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल या तो आप टोटली उस पर्सन से कट आउट करके आप सिंगल लाइफ अपनी गुजार सकते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं इस वीक में। सो देखते हैं कि आपके एंजल और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिसेप्शन हो सकता है कि वो पर्सन आपको वेट करवा रहा है किस इसलिए कि इसमें डिसेप्शन हो, किसी और के साथ वो आपको धोखा दे रहा हो, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, ये किसी के लिए लगे आप लोगों में से चंद लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए नहीं हो सकती। सो आप उस पर्सन का वेट करते करते आपने ये डिसीजन लिया कि अब आपको सिंगल हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन है, वो किसी भी किस्म की डिसेप्शन होती है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, वर्क भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एक और कार्ड है जो कि आपको कहता है कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। सो आपको अगर आपको लगता है वो पर्सन आपसे डिसेप्शन कर रहे हैं किसी भी हवाले से, आप उनके ऊपर स्पाई करके इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई ऐसी सिचुएशन अगर नहीं मिलती है तो आप अपना माइंड ओपन रखें, आपको इतना जो है शक्की ना हो, आप अपने माइंड को ओपन रखें, हो सकता है वो इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हो, क्योंकि समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मार्क्स इन देयर इन दिस रिलेशनशिप। फॉल्स सेल्फ मार्क्स लाइक हो सकता है कि वो पर्सन अंदर से ऊपर से उन्होंने अपने आप को कोल्ड बनाया हुआ हो, लेकिन वो अंदर से आपको अभी भी चाहते हैं और आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, और आप वो एक चेंज चाहते हैं इस लाइफ में, और आपको एक इंडिपेंडेंट और लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं जो कि जिसका कंट्रोल आपके हाथ में हो सकता है हो। सो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट ब्लो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।